केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 अगस्त को राज्यसभा में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2023 पेश करेंगे। इससे पहले 3 अगस्त को राजधानी दिल्ली में अधिकारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण मामले में उपराज्यपाल के फैसले को अंतिम माने जाने वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले के एक गांव में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच दूसरे दिन भी मुठभेड़। पुलिस ने आम जनता को घटना स्थल से 2 किलोमीटर दूर रहने की सलाह दी। मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन से संबंध निजी बस चालकों की वेतन वृद्धि और अन्य मांगों को लेकर हड़ताल 5वें दिन भी जारी। निजी परिचालकों की कम से कम 704 बसें सड़कों से नदारद रहीं। वहीं यात्रियों की सुविधा के लिए राज्य के स्वामित्व वाली महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों को सेवा में लगाया गया है। उच्चतम न्यायालय हल्द्वानी में रेलवे द्वारा दावा की गई 29 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत ने अतिक्रमण हटाने के उच्च न्यायालय के आदेश पर पहले से ही रोक लगा रखी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने सवाल किया है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अब इटावा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामशंकर कठेरिया को कब अयोग्य करार दिया जाएगा। हाल ही में आगरा की एक एमपी एमएलए अदालत ने सांसद रामशंकर कठेरिया को 2 साल की सजा सुनाई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस नित केंद्र सरकार ने राज्य में रेलवे की बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मामूली धन आवंटित करके इसकी उपेक्षा की। उन्होंने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेल, सड़क और हवाई नेटवर्क कई गुना बढ़ा है। हरियाणा के अधिकारियों ने हिंसा प्रभावित नूह जिले में एक होटल सह रेस्टोरा सहित उन कई अवैध संरचनाओं को ढहा दिया, जहां से पिछले सप्ताह की शुरुआत में झड़पों के दौरान एक धार्मिक यात्रा पर कथित तौर पर पथराव किया गया था। यह नूह में ध्वस्तीकरण अभियान का 4th दिन है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश भर में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। विपक्ष के गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक 31 अगस्त से 1 सितंबर को मुंबई में होगी, जिसमें कांग्रेस से सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी एवं कम से कम 5 राज्यों के मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे। महाविकास अघाड़ी के वरिष्ठ नेताओं ने यहां बताया कि एमवीए नेताओं ने इन आगामी सम्मेलनों की रूपरेखा की योजना बनाने के लिए शनिवार को बैठक की। साल 2020 में हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के एक मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आरोपी 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी। राष्ट्र सर्वप्रथम।